तो क्या अब भी सब साजिश है, अब भी सब षड्यंत्र है, या फिर चोरों पर से नजर हटा ली जाए क्योंकि यूपी में चुनाव है? बिल्कुल, आपने लास्ट जो शब्द कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है इसलिए आपका जो शीर्षक है वो भी अच्छा है, क्योंकि जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता से तो अब नहीं लड़ पा रही है, जनता ने तो उनको अपने नजरों से गिरा दिया है, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी ये अपनी एजेंसियों को लेके गए थे, वहां भी मुंह खा के आए, फिर वो यहां से उठा के महाराष्ट्र भी लेके गए थे, महाराष्ट्र में भी एजेंसियों से मुंह खा के आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह परंपरा कांग्रेस से सीखी है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही परंपरा अपनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने यह परंपरा अपनाई थी, इस तरह का दुरुपयोग इन औजार के रूप में किया था सरकारी एजेंसियों का, तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ, निस्तो नाबूद होने के कगार पे पहुंच गई। अब भारतीय जनता पार्टी उसी औजार को अपनाना चाहती है, तो इनका भी वही हाल होगा जैसा हाल पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हुआ, धीरे धीरे पूरे देश से हो जाएगा, क्योंकि आपने वही औजार अपनाना शुरू कर दिया है कि चुनाव आते ही आपकी एजेंसियां जग जाती हैं, तुरंत आप लाओ लश्कर लेके पहुंच भी जाती हैं, इंतजार करती रहती हैं, क्या घर के बाहर बैठी इंतजार करती है 5 साल तक कि भैया 5 साल पूरे होने दो, उसके बाद जब महीना भर बचेगा फिर हम उनके घर पहुंच जाएंगे, फिर वहां माहौल बनाना शुरू करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि इनके अधिकारी कौन है भाई, जो हर सेकंड सेकंड पे जानकारी भी देते रहते हैं मीडिया को, ये साठगांठ कौन सी है इसके बारे में भी पता लगाना चाहिए, हर मिनट में जानकारी देते हैं कि अब ये हो गया अब हो गया, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सरकारी एजेंसियों क्या हो जाता है, क्या हो गया जो वहाँ पे महाराष्ट्र में इन्होंने जो छापे डाले थे उसका क्या खबर है, कोई खबर है? नहीं कोई खबर है, मैं बात पूरी कर लूँ, कोई खबर है महाराष्ट्र की, कोई खबर है पश्चिम बंगाल की? सांस तो 2022 में ली जाएगी जब इतने गुस्से में क्यों है सर, सवाल तो सुन लीजिए जी, सुनिए सुनिए सवाल तो सुनिए, यही जानकारी आपको पसंद आती है ना, जब मीडिया के जरिए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जानकारी आती है, हाथरस का सच आधी रात में आज तक नहीं देश के सामने रखा था, ये कभी मत भूलिएगा, हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सबका सच मीडिया ने ही सामने रखा था। मेरा सवाल कुछ और है, 68 करोड़ के कबूलनामे पर जानबूझकर आप आंख बंद कर रहे हैं या आप उस पर जवाब देने से डर रहे हैं? सीधा सवाल है सर। मेरी बात अभी भी आप नहीं समझे, सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आपको अगर ये सब चीजों का अंदेशा रहता है और आप जानते हैं तो 5 साल तक क्या करते रहते हैं अब, और ये बात पहली बार नहीं हो रही है अंजना जी, आपकी डिबेट में भी पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहीं पे जाएगी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सारी एजेंसियां लेके जाती है जब चुनाव होने वाला होता है। आप देखिए ना, जब दिल्ली का चुनाव था तो कहां कहां छापे पड़े थे, क्या उसकी कोई रिपोर्ट उसके बाद आई आपके पास? मैं पूछा महाराष्ट्र में जो छापे पड़े थे चुनाव के पहले क्या हुआ उनके बारे में, क्या आपके पास रिपोर्ट है? पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले छापे पड़े थे क्या आपके पास रिपोर्ट है? आप उत्तर प्रदेश में उसके बाद रिपोर्ट गायब हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि जनता से हार चुके हैं। जब आदमी जनता से हार जाता है, जब इन्होंने जाति धर्म का कार्ड खेल लिया उससे भी हार गए, बहुत कोशिश कर ली, भीड़ आई नहीं रही है, हेलीकॉप्टर देखने को 2-4 लोग आ जाए तो आ जाए, उनके यहाँ इनके जो रैली हो रही उसमें भीड़ है नहीं, परेशान है, हताश है समाजवादी की भीड़ देख के। अब हताश परेशान व्यक्ति क्या कर सकते हैं, आप उनको लगता है कांग्रेस की नीति अपनाओ, कांग्रेस ने लास्ट 10 साल के शासनकाल में यही अपनाया था और खत्म हो गई, आपको याद होगा, और कांग्रेस जब पहले कांग्रेस थी कांग्रेस ने कभी नहीं अपनाया था, जब 10 साल में ये उन्होंने रणनीति अपनानी शुरू की तब कांग्रेस खत्म हो गई, अब भारतीय जनता अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति खत्म होने के कागार पे आता है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलने लगता है, कहते हैं ना कि उसको 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 गलती का एहसास नहीं होता, गलतियों पे गौरव भाटिया जी 5 साल इंतजार करते हैं क्या? ठीक है भदौरिया जी ठीक है, अब जवाब सुनिए, अन्य लोगों को भी सवाल का जवाब देने दीजिए। गौरव भाटिया जी, 5 साल के आप लोग इंतजार करते हैं कि जब चुनाव करीब आएंगे तो खोज कर समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश के करीबियों पर छापे मारेंगे, 5 साल आके बंद, ये आज पहले दिन तो हो नहीं रहा होगा, लंबे वक्त से हो रहा होगा, वो कह रहे हैं कि 5 साल आप लोग इंतजार करते हैं, चुनाव जब आते हैं तब रेड शुरू करते हैं। अंजना जी, पहले तो आप काशी में हैं, हर हर महादेव, और बता नहीं ऐसे ही याद आया, किसी ने एक अनर्गल बयान दे दिया था कि अंत वक्त में ही व्यक्ति काशी जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन मैं बताता हूं कि क्या बदला है। देखिए, चाहे वो गांधी परिवार हो या यादव परिवार हो, इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि देश के कानून से ऊपर ये हैं, हमारी जनता का जो पैसा है, जो कर आता है, उसको ये लूटेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जनता ने हमें 300 प्लस सीटें इसीलिए दी थी कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी, ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचारी जेल में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
और अब जो खुलासे हुए उस पर जरा गौर फरमाइए, ये तार जो है बड़े दूर दूर तक जुड़ा है, बता रहे हैं आला कमान तक जुड़ा है, जिन्ना लवर को करंट लगने जा रहा है, और जिन्ना लवर को जब करंट लगेगा तो वो खुद ही जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि अब ईडी और सीबीआई आएगी, और क्यों ना आए, अगर गलत करोगे तो ईडी सीबीआई, अब पिंजरे का तोता तो है नहीं, ये तो बाज है, ये भ्रष्टाचारियों को काटेगा, और जब काटता है तो इनको दर्द होती है। दूसरी बात, आपने जो दिखाया और बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने छापा मारा, खुद कबूलता है कि 68 करोड़ रुपए कर की चोरी करी है। ये 68 करोड़ रुपए जनता के हित में लगेगा, जनता तो बल्ले बल्ले कर रही है, खुश है, और ये जिन्नावादी इससे मायूस है। तीसरी बात, एक खुलासा हुआ है बेनामी संपत्ति का, आप बताइए शेल कंपनी बनाई, अकाउंट में 6 करोड़ रुपया दोनों शेल कंपनी के, मतलब अंजना जी जो लोग 10,000 रुपए की नौकरी की हैसियत नहीं रखते।